तो गाइस आज मैं और एलेक्स जाने वाले हैं माइनिंग करने के लिए सामने इस केव के अंदर, क्योंकि मैंने सुना है कि इस केव के अंदर काफी सारा खजाना छुपा पड़ा है और जहां खजाना हो वहां हम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता गाइस। तो चलो फटाफट माइनिंग करने के लिए चलते हैं अंदर। एलेक्स देख, एलेक्स मेरे को बहुत सारा खजाना चाहिए, ठीक है? ओके, मैं और एलेक्स काफी अंदर आ चुके हैं, लगता है हमें खजाना मिलने वाला है। खजाने का मतलब गाइस काफी सारे डायमंड्स, और वो मेरे को सामने दिखाई दे रहे हैं ऑलरेडी। वाओ, इतने सारे डायमंड्स गाइस, आई कांट बिलीव यार, बहुत ही खतरनाक भाई, ये तो बहुत ही मजा आ गया। मेरे को लगता है मैं करोड़पति से करोड़पति बनने वाला हूँ बहुत जल्द। और ये क्या, अबे एलेक्स तो नीचे गिर गई यार। एलेक्स आराम से करना था भाई, इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी थी। तू नीचे गिर गई, चल तू चिंता मत कर, मैं तेरे को बाहर निकाल लूंगा। पहले लोग पहले मैं देख लूँ, अब कुछ और तो नहीं है। वैसे यहाँ पे इसके अलावा चेस्ट भी है, वाओ। अरे चेस्ट के अंदर क्या है? अरे भाई लैडर्स वगैरह काफ़ी सारी हैं। और कुछ है यहाँ पे भाई? चेक करो, ये पूरा खजाना है, लगता है बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन गाइस रुको, हम लोग इस सीढ़ी से एलेक्स को पहले बचाते हैं, उसके बाद। ओ एलेक्स, एलेक्स तुम्हें क्या हुआ? गाइस यहाँ पे एलेक्स गायब हो चुकी है और यहाँ पे काफ़ी सारा खून भी लगा हुआ है। रुको भाई, मैं तो थोड़ा दूर गया था एलेक्स को बचाने के लिए, सीढ़ी लेने के लिए, बट यहाँ पे एलेक्स गायब हो चुकी है। ये क्या, सामने को मोमोगल ने एलेक्स को अपने मुंह में दबा रखा है भाई। गाइस यार मोमोगल ने एलेक्स को पकड़ लिया है और वो उसको पता नहीं कहाँ पे लेके जा रही है। मुझे मोमोगल को रोकना ही पड़ेगा, वरना वो उसे पता नहीं क्या करेगी, खावा लेगी। ओ माय गॉड, ये पड़ा है खून काफ़ी सारा, आई थिंक इस डायरेक्शन में ले गई होगी वो इस तरफ। ओ माय गॉड, कहाँ पे है मोमोगल? मोमोगल प्लीज छोड़ दे मेरी एलेक्स को, प्लीज मोमोगल, प्लीज यार बात मान प्लीज। गाइस पता नहीं मोमोगल कहाँ पे आई, आई थिंक उसको यहाँ पे लेके गई होगी। हाँ हाँ गाइस, वो तो उसको यहाँ पे लेके गई है, लेकिन यहाँ मैं जाऊँ कैसे? मेरे को जाने के लिए रुको गाइस, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ आराम से, और देखते हैं मोमोगल है या फिर नहीं। देखो मैं लेट के यहाँ पे आराम से आ रहा हूँ, लेकिन गाइस मेरे को ढूंढना ही पड़ेगा एलेक्स को। और अगर मैंने एलेक्स को नहीं बचाया तो मैं किस बात का दोस्त यार? हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और हमको इस दोस्ती को गाइस बना के रखना है, इसके लिए हमको उसको ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन गाइस एलेक्स है कहाँ पे? उस इस बात का पता मेरे को लगाना ही पड़ेगा कि आखिर वो है कहाँ पे, मतलब जो मोमोगल थी ना स्कैरी वाली, वो उसको लेके कहाँ पे गई है, मेरे को वो लोकेशन पता लग जाए। ये क्या, आई थिंक यही वो लोकेशन है जहाँ पे एलेक्स को लेके आई है मोमोगर्ल। लेकिन ऊपर तो काफ़ी सारी मोमोगर्ल हैं, लगता है वो उनका अड्डा है और मेरे को वहाँ पे नहीं आना चाहिए था। भागो यहाँ से, उसने हमें देख लिया है। लेकिन मैं अब कहाँ भागूंगा गाइस, अब मैं कहाँ भागूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओ मैंने उसे खाना दिया, मैंने उसे चिकन का टुकड़ा दिया है, और आई थिंक वो अब हमको नहीं मारेगी। उसको लग रहा है कि हम लोग उसको खाना देने वाले हैं एंड हम लोग उसके राजा हैं आई थिंक। ओ वो फीड हो चुकी है गाइस, वो फीड हो चुकी है, फीड, वाओ गाइस वो फीड हो चुकी है, मतलब अब वो हमारी दोस्त बन चुकी है और वो हमको कभी भी नहीं मारेगी। अब उसकी मम्मी आ चुकी हैं और आई थिंक हमें उसकी मम्मी को भी फीड करना पड़ेगा, मम्मी को भी फीड करना पड़ेगा। ओके हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, प्लीज 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 प्लीज, अबे हो भी जा अब। अरे भाई बोल रही है एलेक्स भाई सामने। ओके अब मुझे एलेक्स को बचाना पड़ेगा, लेकिन कैसे? वैसे इन सभी को मैंने फीड तो कर लिया है, अब ये लोग मेरे दोस्त बन चुकी हैं, अब ये लोग हमारे ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करने वाली हैं। सो फिलहाल हम लोग ऐसे भागते हैं एलेक्स के साथ। सो गाइस फटाफट से यहाँ से भागो, इससे पहले कि जो मोमोगल है वो दोबारा हमारे ऊपर अटैक कर दे। सो मैं और एलेक्स गाइस भागने के बाद अब उस केव से बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पे एक हमें दिख गई है खतरनाक सी सीक्रेट कोई पता नहीं मशीन है, जिसमें कि शायद पैसे मिलते हैं आई थिंक, पता नहीं ये मशीन कौन सी है, बट यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे छपी हुई हैं और लगता है हमें ये चीज़ें मिलती हैं गाइस। हाँ लगता है उनको हमको प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद हमें कुछ मिलेगा, या फिर हमको यहाँ पे कुछ डालना पड़ेगा, उस तरफ से कुछ और निकलेगा, यही कुछ होने वाला है। यहाँ पे ट्राई करते हैं। ओके मैंने डाला चिकन और अब निकलेगा यहाँ पे भाई, ये कितने सारे खाने के फूड, ओ कुक्ड भाई, मतलब कुक ऑलरेडी वो कुक हो चुका है ना, बहुत बढ़िया यार, ये तो बहुत ही बढ़िया मशीन है। अब डालते हैं डायमंड और देखते हैं डायमंड से क्या निकलेगा भाई, और देखते हैं डायमंड से क्या निकलेगा। मैंने काफ़ी सारे डायमंड डाल दिए हैं, डायमंड से क्या बनेगा, डायमंड से क्या बनेगा, वाओ गन, अरे वाह डायमंड से बन चुकी है गन भाई, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है गन बन चुकी है डायमंड से गाइस, ये कैसे हो सकता है यार। चलो गाइस कोई बात नहीं, वैसे ये कौन है? ओए 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 तू कौन है भाई? अबे ये तू कौन है ब्रो? अब भी इसने यहाँ पैसे कौन कर दिया, एंड देन इसने यहाँ पे डाला वुड। ओके वुड डाला है, वुड से नहीं मड आई है, मड, मड से क्या बनेगा, मड से क्या बनेगा यहाँ पे? ओ तेरी पैसे भाई, इसने पैसे वाला मोड ऑन किया और यहाँ पे मड डालने पे पैसे मिल रहे हैं
ये तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब पैसा गाइस पैसा मिल रहा है पे, मतलब ये बंदा बहुत चालाक है यार। वैसे मैंने ये क्यों नहीं ऑन किया, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, मैं गाइस इन सभी को ऑन करता हूँ सिवाय ओके, मैंने इन सबको ऑन कर दिया सब चीज़ों को, और अब देखते हैं सब चीज़ें बनेंगी या फिर नहीं। ये क्या एलेक्स टू जा रही है, अबे एलेक्स तेरे को नहीं जाना उसके अंदर। शिट, एलेक्स चली गई उसके अंदर और पता नहीं अब क्या होने वाला है। और वो बन चुकी है एक खतरनाक सी विच, और लगता है मुझे इस विच को अब गाइस मारना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बन चुकी है। और अब ये हमारे ऊपर पोशन फेंक रही है, गन से बंदूक मार रही है, भाई भागो। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही खतरनाक बन चुकी है। मैंने पहले ही मना किया था कि उसके अंदर मत जाओ, लेकिन एलेक्स ने मेरी बात नहीं मानी और वो उसके अंदर जाने के बाद एलेक्स बन गई, सॉरी विच बन गई। और यहाँ पर हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं और आई थिंक ये बहुत ही प्यारा विलेज है। यहाँ पे दो बंदे हैं अपने घर के अंदर और ये कोई दुकान है पोशन वाली। मैंने देता हूँ इन्हें पैसे और पैसे के बदले इनसे ख़रीदता हूँ कुछ पोशंस जो कि मेरे काम आने वाले हैं। ओके, मैंने इनसे पोशंस ख़रीद लिए हैं। और यहाँ पे जो दोस्त बैठे हुए हैं इनके साथ हम लोग थोड़ी बातचीत भी करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ बैठता हूँ इस पोशन को पी लेता हूँ। ओके, मैंने इसको पी लिया है। और वैसे तुम लोग क्यों आ रहे हो, तुम्हें कहते कहते भाई कौन तुम लोग, अभी तुम लोग हो कौन भाई, ये लोग कह रहे हैं कि तुम ऐसे बाहर निकलो वरना मैं तुम्हें मारूंगा, तो उससे पहले मैं इनको ही मार देता हूँ फटाफट से। ओके, मर जाओ भाई, निकलो ऐसे लो, मुझे बाहर निकालोगे मुझे, भाई पता भी है मैं कौन हूँ, भाई मेरा नाम रिच माइनर है। ये क्या, ये शॉप का मालिक मेरे को मारने को क्यों मार रहा है भाई, मेरे शॉप के मालिक को ये क्या हो गया, ये मेरे को क्यों मार रहा है भाई, लगता है ये सब मेरे से भाई जल रहे हैं। और ऊपर से एक और बंदा आ चुका है भाई, लेकिन ये कौन है, अबे तू कौन है, वैसे ही हमारी जान बचा रहा है। ओके, ये बंदा हमारी जान को बचा रहा है। वैसे गाइस लगता है हम लोग गलत जगह आ चुके हैं, हमको यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। और गाइस मैंने उससे थोड़ी कमज़ोरी की दवा ली थी, इस चक्कर में मैं गाइस यहाँ पे आया था डॉक्टर के पास, मुझे क्या पता यहाँ पे ये सब हो जाएगा। वैसे गाइस चलो भागते हैं यहाँ से, हमारा काम ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, सो लेट्स गो देयर गाइस फटाफट। और वो लोग हमको मारने के लिए हमारे पीछे आ ही रहे हैं, भाई भागो यहाँ से यार, मतलब वो लोग हमें किसी भी टाइम मार सकते हैं। ओ माय गॉड, आयरन गोलम काफ़ी स्पीड में आ रहा है। वैसे आयरन गोलम से बचने के लिए हम लोग करें क्या यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे। और फिलहाल हमको गाइस यहाँ से भागना पड़ेगा ऊपर की तरफ फटाफट से, और थ्रू लैडर्स। ओके, लैडर्स चलते हैं ऊपर जल्दी। ओके, हम लोग आ चुके हैं ऊपर टावर के ऊपर, और आई थिंक यहाँ पे कोई नहीं आ पाएगा। विच, अबे यार ये विच कहाँ से आ गई, अबे मेरे को विच से फाइट नहीं करनी है भाई, ये बहुत ही खतरनाक है, ये तो अपने जादू से कुछ भी कर देगी भाई, मेरे को इससे फाइट नहीं करनी है भाई, विच भाई प्लीज बाहर निकल ऐसे। ओके, वैसे ओ वाओ, वो जो पोशन था ना गाइस, उससे मेरी एलेक्स दोबारा ठीक हो चुकी है। वाओ गाइस, मजा आ गया भाई, मेरे को लगा जो विच है वो हमको मारने के लिए आई, बट ये तो ठीक होने के लिए आई थी। चलो गाइस, फाइनली हमारी एलेक्स हमारे पास वापस आ चुकी है, और ये बात सुनने के बाद मेरा जो दिल है वो एकदम ठंडा हो चुका है, मतलब मज़ा आ गया मेरे को बहुत ही ज़्यादा, मैं बहुत ही खुश हूँ आज बहुत ही ज़्यादा। वैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, यहाँ तो काफ़ी सारा खून पड़ा हुआ है यार, लगता है हम लोग गलत जगह जा रहे हैं भाई, हमको यहाँ नहीं आना चाहिए अभी, ये बहुत ही खतरनाक जगह है यार। एलेक्स तेरे को पता भी है इसके बारे में, या तो फालतू में यहाँ पे आ चुकी है, कुछ कुछ पता भी है तेरे को। वैसे ओ माय गॉड सोनिक, ओ माय गॉड रेड सोनिक, भाई भागो यहाँ से, अभी ये रेड सोनिक है ये बहुत ही खतरनाक होता है, मतलब ये तो भाई इतना पावरफुल है कि मतलब ये कुछ भी कर दे कुछ भी, ये इतना स्ट्रांग है भाई, खली से भी ज़्यादा स्ट्रांग है ये। ओ माय गॉड, इसके बाल देखो कितने बड़े बड़े हैं, और वैसे ये फाइट करने के लिए एकदम रेडी है, तो भाई हमारे लिए अच्छा ये होगा कि हम लोग ऐसे भाग लें, क्योंकि हम लोग इससे फाइट करने के लायक हैं ही नहीं भाई, मतलब ये इसके पास इतनी ज़्यादा पावर्स हैं कि ये कुछ भी कर सकता है। भाई भागो भाई भाग, एलेक्स वो आ रहा है फटाफट भाग भाई, वरना हम लोग मारे जाएंगे आज, जल्दी भाग यहाँ से फटाफट। ओ भाई वो आ रहा है स्पीड में, अबे भागो यहाँ से जल्दी से, अरे भागो भागो। ओके ओके गाइस, यहाँ पर देखो जो वो आरएम गोलम है ना, जो कि हमारे पीछे पड़ा हुआ था, वही गाइस हमारी तरफ आ रहा है, पता नहीं क्या लेके हाथ में, और वैसे ये हमारी हेल्प करने के लिए आ रहा है, फिर हमको मारने के लिए आ रहा है मुझे नहीं पता, और आई थिंक ये हमारी हेल्प करने के लिए आ रहा है सोनिक को मारने के लिए। वाओ, मार दे आरएम गोलम प्लीज, इसको मार दे सोनिक को प्लीज, मार दे आरएम गोलम प्लीज, तू हमारा दोस्त है ना। और शिट यार, सोनिक ने यार उसको मार दिया आरएम गोलम को, और अभी सोनिक ने मेरी एलेक्स को भी मार दिया, और लगता है अब हमारा भी टाइम आ चुका है। सो गाइस मैं भी गया, अब लगता है मैं भी गया। नो no!